श्रीपाद शंकराचार्य ने कहा, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जन्मि जठरे स्थितम। बार बार मां के गर्भ में जन्म लेना और बार बार मरना, ये जीव का सबसे बड़ा रोग है। और इस भवरोग से मुक्त होना चाहते हैं तो कृष्ण कथा सुननी चाहिए। तो मन में मानो प्रश्न हो सकता है, छोटे से रोग की दवाई इतनी कड़वी होती है तो इस भवरोग से उबरने की दवाई कितनी कड़वी होती है। तब सुखदेव गोस्वामी इसका प्रत्यक्ष करते हुए कहते हैं, भवरोग से मुक्त करने वाले दवाई जो है वो कड़वी नहीं, वो मनोभिरामा, वो बहुत मधुर है, बहुत माधुरी रसी है उसमें, और उसे हरेक कोई सुनना चाहता है। अतः सुखदेव जी गोस्वामी जी कृष्ण कथा सुनते हैं। तब सुखदेव जी गोस्वामी महाराज कृष्ण कथा प्रारंभ करते हुए कहते हैं, परीक्षित, ये द्वापर युग की बात है, द्वापर युग प्रारंभ की बात है। द्वापर युग के प्रारंभ में अनेक क्षत्रिय राजा महाराजा आसुरी रीति को प्राप्त हुए। वैसे क्षत्रिय थे लेकिन बुरी संगति के कारण वे असुर बन गए। तो जीवन का आधार और संस्कार संग खराब हो जाने से बिगड़ जाता है। कितना भी अच्छा संस्कार क्यों ना हो, यदि संग खराब है तो संस्कार बिगड़ जाता है। असत संग त्यागी यही वैष्णव आचार्य, जो वैष्णवों को क्या, जो असत वस्तुओं को त्यागता है वही वैष्णव, वैष्णव का स्वभाव हो जाता है। सुखदेव जी गोस्वामी महाराज पश्चिम महाराज को कथा सुनाते हुए कहते हैं, द्वापर युग के प्रारंभ में अनेक राजा महाराजा हुए और वे आसुरी वृत्ति को प्राप्त हुए और वे लोग असुर जैसे बन गए। साधुओं की साधना बंद कराई, ऋषि मुनियों की यज्ञ बंद, यज्ञ बंद करा दी, भक्तों की भक्ति बंद करा दी और अनेक प्रकार की हिंसा करने लगे। बकरे को काटने लगे, गायों को मारने लगे, अनेकों प्रकार की जीव हिंसा में मारने लगे। ये पशुओं को मारना, विनाश करना, ये यशनों का कार्य है। सारे राजा महाराजा तमोगुणी बन गए, आसुरी वृत्ति के हो गए और राजाओं को पाप होने लगा। इस पृथ्वी पर पाप होने लगा और उस पाप से यह पृथ्वी भारी हो गई। मतलब पृथ्वी पर अनेकों भार हैं, इतने बड़े बड़े पर्वत हैं, बिल्डिंग है, परंतु पृथ्वी को इसका भार बड़ा नहीं लगता। लेकिन जब इस पृथ्वी पर कोई पाप करने लगता है, देवी पृथ्वी भार को सही, अतः देवी पृथ्वी को बहुत भारी जान पड़ा। और उस समय पृथ्वी ने अपने कष्ट को दूर करने के लिए ब्रह्मम शरणम आई, ब्रह्मा जी की शरण। लेकिन कैसे गई, कहते वो भूत्वा अश्रुमुखी खिन्न करदन की करुणा विभो उपस्थित अंतिके तश्मे वैष्णव समोच। उस समय देवी पृथ्वी गाय का मुख लेकर गई, वो भूत्वा अश्रुमुखी गाय का मुख लेकर गई, आंखों में अश्रु लेकर गई और ब्रह्मा जी को अपने कहे हुए वचन को श्रवण कराया। और तब ब्रह्मा जी ने कहा, देवी पृथ्वी, तुम्हारे सभी दुखों को जानता हूं फिर भी मैं कुछ नहीं कह सकता, तुम्हारे दुखों का निवारण मात्र और मात्र भगवान श्री कृष्ण ही कर सकते हैं। बोले चलो हम सभी देवता के साथ भगवान विष्णु के पास चलते हैं। सभी देवी देवता पृथ्वी सहित क्षीर सागर के तट पर आए और तब उसमें प्रश्न उठा, भगवान को कैसे प्रकट किया जाए। तब याद आया कि जब भगवान और नारद जी का संवाद हुआ था तो नारद जी ने पूछा था कि प्रभु आप कहाँ रहते हो, एक काम करो, आप अपना विजिटिंग कार्ड मुझे दे दो, आपके भक्त लोग पूछते रहते हैं, मैं उनको दे दूंगा। बोले नारद, इस सृष्टि कार्य से कोई फुर्सत ही नहीं मिला, विजिटिंग कार्ड कहाँ से देना। बोले अच्छा प्रभु, विजिटिंग क्या कार्ड क्या, आप तो वैकुंठ में रहते होंगे। बोले नारद, नारद में वैकुंठ में नहीं रहता। फिर तो प्रभु आप योगियों के मन में, हृदय में रहते होंगे, बहुत मेहनत करते बेचारे ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं, पांव को ऊपर सर को नीचे कितना मेहनत करते हैं, अनुलोम विलोम, आप निश्चित उनके हृदय में रहते हैं। भगवान कहते हैं, नारद योगी नाम विदेश हुआ,
बोले नहीं नारद मैं वहां भी नहीं रहता, फिर भगवान कहां रहते हो? बोले मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र विश्रामे नारद, मेरे भक्त जहां पर मेरी कथा करते हैं वहां पर मैं रहता हूँ और कहीं पर नहीं रहता हूँ। मेरे भक्त जहां पे मेरी कीर्तन करते हैं वहां पर। तब सभी लोग पहुंच गए, कीर्तन कर रहे हैं 2 मिनट का कीर्तन करना। सभी देवी देवता पहुंच गए क्षीर सागर के तट पर, बहुत ही सुंदर कीर्तन प्रारंभ किया। आइए हम भी कीर्तन करें। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम। राम कृष्ण दोनों एक हैं, राम और कृष्ण दोनों एक हैं, अंतर नाम निवेश। राम और कृष्ण दोनों एक हैं, अंतर कितना है? मात्र निवेश मात्र। क्या अंतर है? दोनों में कोई अंतर नहीं है। अंतर क्या है? राम कृष्ण दोनों एक हैं, यंतर नामी निवेश। इनके नयन गंभीर हैं, राम के नयन गंभीर हैं, और इनके चतुर विशेष कृष्ण के नयन चतुर विशेष। और दोनों सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम सीता राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। जय जय सुनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भग।